क्रिकेट के लिए घर वालों को धमकाया, माँ की सोने की चेन बेचकर क्रिकेट का ही किट बैग आया। कौन है ध्रुव जुरेल जिसने अचानक टेस्ट टीम का टिकट पाया? जी हाँ, यूपी के खिलाड़ी ध्रुव जुरेल को टीम इंडिया का टिकट मिल चुका है। टेस्ट टीम में पहली बार ध्रुव जुरेल का सिलेक्शन हुआ है और बतौर विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को चुना गया है। लेकिन ध्रुव जुरेल कौन है, कैसे उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की, कैसे उन्होंने घर वालों को भी धमकाया, कैसे घर वालों को गहने बेचने पड़े ध्रुव जुरेल के क्रिकेट करियर को और मजबूत बनाने के लिए। संघर्ष की कहानी ध्रुव जुरेल की बहुत बड़ी है, लेकिन आपको इस रिपोर्ट में ध्रुव जुरेल के बारे में बताते हैं कि कैसे क्रिकेट की उनकी शुरुआत हुई। दरअसल 2023 में जब आईपीएल हुआ तो सिलेक्टर्स का ध्यान ध्रुव जुरेल ने खींचा, क्योंकि आईपीएल के कुछ मुकाबलों में उनका प्रदर्शन बहुत शानदार था। 21 जनवरी 2001 में यूपी के आगरा में ध्रुव जुरेल का जन्म हुआ। यूपी की अंडर 19 टीम में खेलने का मौका भी ध्रुव को मिला। 2020 में भारत के अंडर 19 टीम के ध्रुव उपकप्तान थे। वहीं 2022 फरवरी में फर्स्ट क्लास खेलने का उन्हें मौका मिल गया। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में उन्हें खरीदा था। ध्रुव के पिता कारगिल युद्ध का हिस्सा थे। पिता नीम सिंह की तरह पहले ध्रुव भी सेना में ही जाना चाहते थे। आर्मी स्कूल में ध्रुव ने स्विमिंग भी सीखी थी, लेकिन धीरे धीरे गली में क्रिकेट खेलना शुरू किया और उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद आया। हालांकि उनके पिता क्रिकेट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया करते थे। पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, क्रिकेट में अपना फ्यूचर ना बनाए। लेकिन एक दिन पिता ने अखबार में अपने बेटे जैसा नाम पढ़ा तो ध्रुव जो थे वो डर गए थे और उन्होंने पिता से छुपाया कि वो क्रिकेटर थे। फिर 14 साल की उम्र में 1500-2000 के करीब का एक बैट भी उन्होंने खरीदा और उनके पिता ने भी उन्हें खरीदवा दिया। लेकिन जब किट बैग की बारी आई तो वो काफी महंगा था, तो ऐसे में किट बैग के लिए माँ ने अपने सोने की चेन बेच दी। उसके बाद ध्रुव को किट बैग मिला। किट बैग से वो खुश भी हो गए, बाद में घर वालों को उन्होंने धमकाया भी था। वो एक बारी बाथरूम में बंद हो गए थे और कहा था कि वो घर छोड़ के भाग जाएंगे अगर उन्हें क्रिकेट खेलने नहीं दिया। हालांकि बाद में उन्हें काफी पछतावा हुआ जब वो बड़े हो गए कि उन्होंने गलत किया था, लेकिन घर वालों को ब्लैकमेल किया था, एक तरीके से धमकाया था कि उन्हें क्रिकेट खेलने दिया जाए। तो ध्रुव का करियर जो है वो यूपी से शुरू हुआ। यूपी के लिए भी क्रिकेट खेले, अंडर 19 टीम में भारत की रहे, उपकप्तान बने, आईपीएल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए आए हैं और अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके कारण ध्रुव को अब टीम इंडिया में मौका मिल गया है और पहली बार ऐसा हुआ है जब ध्रुव का सिलेक्शन नेशनल टीम में हुआ है। अगर ध्रुव के करियर को देखें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15 मैच में 790 रन बनाए हैं, 46 के ऊपर का औसत रहा, एक सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी आई है। लिस्ट ए की बात करें तो 10 मैच में 190 करीब रन बनाए हैं, 47 के ऊपर का औसत रहा, 2 हाफ सेंचुरी आई। T20 जितने भी डोमेस्टिक में खेले 23 में से 244 रन ही बनाए हैं, 20 के ऊपर का औसत रहा, सेंचुरी हाफ सेंचुरी नहीं आई। वहीं आईपीएल के 13 मैच में 152 रन बनाए, 21 के ऊपर का औसत रहा था। तो ध्रुव जुरेल की संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी है। पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, खुद ध्रुव चाहते थे कि वो सेना में जाए पिता की तरह, लेकिन जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो क्रिकेट से लगाव हुआ, धीरे धीरे वो लगाव ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने ठान लिया कि क्रिकेट में ही उनका फ्यूचर है, और जिसके लिए उन्होंने घर वालों को धमकाया भी। एक बेटे का सपना साकार होता देख माँ ने गहने भी बेचे, किट बैग भी दिलाया, और आज ध्रुव जुरेल जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने घर पे लड़ाई भी की कि मुझे क्रिकेट खेलने दो, आज वो टीम इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं। और ये खबर सुन के जाहिर सी बात है घर वालों को भी ध्रुव पर बहुत गर्व होगा। तो देखते हैं कि ध्रुव जुरेल का इंटरनेशनल करियर कितना शानदार रहता है। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।